ब्यावर विधानसभा चुनाव 2023 के पहले दिन नामांकन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। पहले दिन की बात करें तो चुनाव कार्यालय से उम्मीदवारी हेतु 10 फॉर्म वितरित कर दिए गए हैं। ऐसे में किसी भी आवेदनकर्ता ने पहले दिन नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस संबंधित दल के लिए 3 आवेदन पत्र पहले दिन लिए गए हैं, जिसमें रामेश्वर मेवाड़ा, हेमंत कुमार और प्रकाश नामक व्यक्ति ने कांग्रेस के लिए अपना आवेदन पत्र लिया है। पुरुषोत्तम भाटी, गजेंद्र भावेश कुमार और योगेश पंचोली ने निर्दलीय के रूप में अपना आवेदन पत्र लिया है। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी के लिए अपना आवेदन पत्र लिया है। अभी तक भाजपा के लिए किसी ने भी अपना आवेदन पत्र नहीं लिया है और ना ही निर्दलीय ताल ठोक रहे दावेदारों में से किसी ने अपना आवेदन पत्र लिया है। आपको बता दें कि 6 नवंबर तक आवेदन पत्र लिए और जमा करवाए जा सकते हैं। ऐसे में 5 नवंबर को रविवार होने के चलते इस दिन आवेदन ना ही लिया और जमा करवाया जा सकता है। ब्यावर विधानसभा के चुनावी मैदान की तस्वीर हालांकि अभी साफ नहीं हो पाई है। नामांकन दाखिल होने और नाम वापसी के बाद 9 नवंबर को चुनावी तस्वीर साफ होगी। भाजपा से शंकर सिंह रावत, निर्दलीय के रूप में इंदर सिंह बागावास चुनाव में फिलहाल आमने सामने हैं। महेंद्र सिंह रावत ने स्पष्ट नहीं किया है तो कांग्रेस के उम्मीदवार की फिलहाल कोई घोषणा नहीं हो पाई है। आपको चुनावी अपडेट के तहत नामांकन प्रक्रिया की बात करें तो 8 आवेदनकर्ताओं ने 10 आवेदन प्राप्त किए हैं और किसी ने भी अपना पहले दिन नामांकन पत्र दाखिल नहीं करवाया है।